हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AVI साइबर टेक। मैं आपको बताऊंगा कि जो वीडियो रेंडरिंग हम करते हैं प्रीमियम प्रो पे या फिर क्लिप चैम्प पे या किसी भी अदर सॉफ्टवेयर पे, जब हम वीडियो रेंडरिंग करते हैं तो हमारा सिस्टम एकदम से शट डाउन हो जाता है या रीस्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये देखें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम वीडियो रेंडरिंग करके दिखा रहे हैं, इसमें अभी ये हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या था ये भी बताएंगे आपको। ये देखो, इसमें ये 3 या 4% पे जाएगा। उससे पहले देखिए हो चुका है, ये डाउन हो चुका है, अब ऑटोमेटिक ऑन होगा। ये देखो ऑन हो गया ऑटोमेटिक, ये रीस्टार्ट हो गया ऑटोमेटिक। देखो अब विंडो भी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी इसकी। देखा आपने, विंडो इसकी ऑटोमेटिक ओपन हो रही है। जब भी हम रेंडरिंग कर रहे हैं इस प्रोसेस में, जब हमारा सिस्टम डाउन हो जा रहा है, इसका जो मेन इशू होता है वो होता है आपका प्रोसेसर पे। प्रोसेसर पे लोड पड़ता है जब भी आप करते हैं। तो इसमें दो तरीके की चीज़ें हो सकती है, या तो प्रोसेसर आप चेंज कर लो, हाई वर्जन ले लो, या दूसरी चीज़ें हो सकती है आपके सिस्टम में वायरस वगैरह आ गया हो तो आपको न्यू विंडो डालनी पड़ेगी। और अदर वीडियो भी हमने देखी यूट्यूब वगैरह पे, तो उसमें बता रहे थे कि आप सिस्टम को इधर उधर दुकान वगैरह पे जाकर सही करवा लेना आप। बट हमने क्या किया कि सीनियर उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप विंडो डाल करके देखो, और हमने विंडो डाल करके देखा। और विंडो डालने के बाद जो हमारा सिस्टम है ओके हो गया, और उसके बाद हमने वीडियो रेंडरिंग भी करी, काफ़ी अच्छे चला, कुछ भी इशू नहीं था। हाँ, ये एक इशू हो सकता है कि जैसे कैबिनेट का जो बॉक्स होता है, कई बार हवा पास नहीं हो रही होती तो प्रोसेसर गर्म हीट हो जाता है, तो आप बॉक्स वगैरह जो साइड बॉक्स वगैरह होते हैं उसको थोड़ा सा खोल सकते हैं, जिस वजह से वो मतलब हीट ना हो पाए। हीट नहीं हो पाएगा तो वो सही काम करेगा आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग AVI साइबर टेक, प्लीज़ सब्सक्राइब अस। काट दूँ।